ये असली, पर देखो जो फील दे रहा है ना कैमरे के अंदर, ये नकली वाला दे रहा है। इसके जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ऐसे लग रहा है कि हाँ निकल निकल के आ रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप सारे मस्त होंगे। एक नए दिन और एक नए चैलेंज भरे दिन में आप लोगों का स्वागत है। चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज मैं ट्रांसफर कर रहा था अपना डाटा अपने लैपटॉप के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या आई थी मैं भी दिखाता हूँ। क्या कहते हैं, अपना गोपर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, बट इशू ये आ रही है जैसे कि मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो फाइल ट्रांसफर में एक दिक्कत आ रही है। जैसे ये रहा अपना गोप्रो, ये मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, आ जा, ओके ये आ गया। अब ये देखो ये एरर आ रहा है बार बार, कुल नॉट कनेक्ट टू डिवाइस। अब ये एरर आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसे सॉल्व कैसे करूँ। तो मैं कुछ सर्च कर रहा था, अगर गोप्रो को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने में आप लोगों को भी कोई इशू आ रहा है, अगर आपके पास मैकबुक है तो, बिकॉज मेरा तो डिस्प्ले मैंने अभी तक रिपेयर नहीं कराया, आप लोगों को पता है, पर बहुत जल्दी से करा लूंगा। इसका एक सॉल्यूशन मैं अभी बता देता हूँ। तो नॉर्मली आपको करना क्या है, अपने मैकबुक पे जाना है और सर्च बार सेक्शन जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे आपको सर्च करना है इमेज कैप्चर, ये वाला ऑप्शन। जैसे आप ओपन करोगे, जैसे ओपन कर लोगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको गोप्रो वाला ऑप्शन आ गया। सिंपल सा फंडा क्या है, यहाँ पे सभी को कंट्रोल कमांड एक करके सिलेक्ट करो और यहाँ से डाउनलोड और कर लो। अभी जितना भी डाटा आपके लैपटॉप में आना स्टार्ट हो जाएगा। और अब चलो यार थोड़ा नाश्ता बनाते, बिकॉज अभी क्या है, कल वाला चीज अभी याद होगा तो मैंने अपना प्लांट यहीं पे रखा हुआ है, जिनके लिए भी पॉट्स लेके आने हैं, और पॉट जो है उसमें मैं सोल के साथ लेके आऊंगा, तो मिट्टी उसके साथ रहेगी, खाद वगैरह प्रॉपरली उसका ध्यान रखना है, मेंटेन करना है। और आज का भी हमारा प्लान सेट हो गया, आज हम जा रहे हैं अगेन गाजियाबाद डीएलएफ में, वहां पे थोड़ी चीजें, और अभी मैं नाश्ता करता हूँ, नहाता हूँ, रेडी होके निकलते हैं। यार इंदर लोग भी जाना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट है, जो चीज मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने वीडियो एडिट भी नहीं की, मैंने सोचा 90 डेज का मैं टारगेट लूंगा कि हाँ 90 के 90 दिन व्लॉग डालूंगा, बट जिस अकॉर्डिंग ये डीले हो रहा है ना, क्योंकि कल रात को लाइट चली गई थी घर पे तो मैंने एडिट नहीं किया, अभी मॉर्निंग है, सोच रहा हूँ एडिट कर लूँ, बट अभी निकलना है, सुमित थोड़ी देर में आ ही जाएगा। पर भाई साहब जो लिखा होता है किस्मत में मोस्टली वही होता है, जितनी भी आप कोई प्लानिंग कर लो ना, होता वही है जो आपके समय लिख गया है। कि ना जाने क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई प्लान मैं वीडियो में स्टार्टिंग में बता देता हूँ वो प्लान कैंसिल हो जाता है। जैसे मैंने बोला था मुझे गाजियाबाद जाना था, वो वाला प्लान कैंसिल हो गया, बिकॉज जिसके पास जाना था वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा, फिर जब फोन नहीं उठा व्हाट्सएप पे बात हुई, वो कह रहा भैया मैं अपडेट कर दूंगा। तो अभी सुमित से पूछता हूँ कि भाई कहीं और का प्लान बना कि नहीं, क्योंकि अपना काम ही बाहर रह के घूमने वाला है, और देखो बाहर घूम के ही अपना काम चलता है, देखते हैं सुमित क्या बोलता है। कॉपीराइट आ जाएगा ना, ना 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 गाना नहीं चलाना, टी सीरीज वाले बड़े वो हैं। तो अभी तो मैं लंच करने लगा था, फिर मैंने कहा साथ ही साथ भाई बात भी कर लेता हूँ, तो थोड़ी हेलो दिया तो ये, हाँ हेलो क्या दे दिया? अरे वो चश्मा लेके आया था मम्मी जी ने। अरे ओह आंटी जी चश्मा पहनना शुरू करेंगी? अरे वो नजर वाला है। अच्छा नजर वाला है क्या? पुरानी दिल्ली से लेके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई प्लान व्लान बना काम का कि नहीं आज? नहीं भाई खाली है आज। आज खाली है? खाली खाली खाली। यार पहला दिन भी खाली है, चलो दूसरा दिन थोड़ा काम हुआ, तीसरा दिन भी खाली आने वाला है क्या? अरे ना ना देव, ऐसे कैसे चलेगा, इंदर लोक में कोई काम धाम नहीं बना अपना? अरे इंदर लोक से तो नाम निशान मिट गया हमारा लगता है। अरे यार सबने संडे शिफ्ट कर दिया ना, पंगा इस बात का है मोस्टली, वरना पहले कोई संडे संडे नहीं कहता था, बीच में कभी भी आ जाओ काम कर जाओ। नमस्ते बड़ा नमस्ते। अरे भाई काम धाम कुछ नहीं है, मतलब आज खाली बैठने वाले हैं, मतलब मैं एडिटिंग ही करूँ, अपने ब्लॉग वगैरह बनाऊ, एडिट करूँ, है ना? मैं तो सोऊंगा आराम से। तो अभी निकलता हूँ मैं अपने पोर्ट्स के लिए, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से वेट करता कि हाँ वीडियो एडिटिंग खत्म हो और इन बेचारे पौधों को मेरे घर मिल जाए। और यार अब क्या करना है ना, सोचा था पोर्ट लेके आऊँ सेटअप कर दूँ, इससे अच्छा मैं बाड़ी लेके चला जाता हूँ, जिससे पोर्ट लूँगा उसे बोल दूँगा भाई सेटअप करके दे दे, जो भी होगा बाड़ी पूरा सेटअप करवा के रेडी करके आ जाता हूँ, और इससे मेरा टाइम भी बचेगा। तो अभी कहता हूँ इसे बैग में डायरेक्टली रख लेता हूँ, क्योंकि बाहर कहीं और तो रख सकता नहीं, जगह तो नहीं है। मैं सोचा था पहले पन्नी में रख लूँ और टांग के बाइक पे हैंडल पे चल लूँ, तो मैंने सोचा नहीं यार ये अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी अजीब सा लगेगा। तो अभी नॉर्मली यही करता हूँ, इसे डालता हूँ बैग में और यहीं से पैक करके इसे ही टांग के चल लेता हूँ, ये थोड़ा सेफ भी रहता है, पीछे पड़ा रहेगा कुछ दिक्कत भी नहीं देगा। और पोर्ट सोचा था पहले मिट्टी का लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मिट्टी का लेके फ़ायदा नहीं होगा गमले के लिए, तो मुझे जो गमला लूँगा प्लास्टिक वाला लूँगा, बिकॉज क्योंकि यहीं ऊपर की तरफ सेटअप करना है, तो मुझे ऐसी चाहिए क्योंकि ये नकली वाले में इतनी फीलिंग नहीं आ रही है, प्लास्टिक में क्या खुशबू आएगी, पत्तों में ज्यादा आएगी, पर ये वाले पौधे थोड़ी गंदगी भी ज्यादा फैलाते हैं, अभी बताऊंगा रुक जाओ। अबे यार भाई कल गया था गाजियाबाद, तो वहां के बाद से मैंने बाइक अभी तक साफ नहीं करी,
पूरी कीचड़ कीचड़ हो रही, पूरी मिट्टी लग रही है। एक बेवकूफ था भाई, मतलब बीच में पानी भरा हुआ था रोड पे, और वो बंदा अपनी बाइक से तेजी से चला गया और देख रहा है मैं स्लो स्लो आ रहा हूँ। एक तो इसे ज्यादा रब भी नहीं कर सकता, वरना मेरा हो जाएगी ऐसी तैसी, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। अभी से वॉश ही कराऊंगा डायरेक्टली। तो पौधा तो बैग में है, बाइक निकालते हैं और चलते हैं। तेल भी नहीं है, पर अभी ये काफ़ी आना जाना कर लेगी। ओ भाई ठंडी ठंडी हवा लग रही है यार। इसका भी एक रीज़न है, मैंने अंदर कुछ पहना ही नहीं है। एक उधर पोर्ट वाला था, उधर जाऊं या ना जाऊं, सीधा ही चल लेता हूं, छोड़ो शास्त्री नगर से करवाता हूं। आए हाय मिल गया मौका, क्या तगड़ी लगी है। बस ये सोचो कि तबीयत मेरी ख़राब ना हो तो बेटर है, क्योंकि काफ़ी तेज लगी है हवा मेरे को। ओ भाई साहब, 5, 4, 3, 2, 1 हमें जाना है राइट की तरफ। अरे शांत देवता, शांत देवता जगह दो। अरे भाई आज जैसे कि मैं पौधों के बारे में भी बताता हूँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया आपको। जो मेरे पौधे वो थोड़ा गंदगी ज़्यादा फैलाएंगे, और एयर को प्योरीफायर तो अच्छी तरह से करते ही करते हैं, बट गंदगी कैसे फैलाते हैं, उनमें से पस काफ़ी ज़्यादा निकलती है, जिस चक्कर में मुझे उसकी साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। और भाई साहब यहाँ पे एक बंदा रहता था, एक तो यार देख कर डर लगता है, हल्का सा गिरा तो टूट जाएगा। इस साइज में बुद्ध में छोटा कैसा कलर अलग है, व्हाइट में ही छोटा सा। ये अच्छा भी लग रहा है, सेटअप करवा के ले आओ। दो हैं? हाँ दो होंगे। टर्टल में और कोई डिजाइन है क्या? अजीब सा लग रहा है तो दिखाना। यही है पर आ रहा है कलर। अरे इसका ये अच्छा नहीं लग रहा ना भाई, जब तक आ रहा था तो भाई हाथ सेक लेता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है 5-5 मिनट तो लग ही जाएंगे भाई को सेटअप करने में, क्योंकि मिट्टी भरेंगे फिर उसको थोड़ा। ये मेरे को वर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कई, पता नहीं क्यों। ओए होए होए होए, ये मज़ा आ रहा है। देखना खाद डाली कि नहीं, खाद डाली है ना, ये लग रही है। चलो अच्छा लग रहा है। एक तो वहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं होगा ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वहाँ पे। चलो भाई पहले वाला पहला पौधा डन। अरे आराम से रहिए भाई, गिर मत जाइए प्लीज। मैं रॉन्ग साइड में कहाँ रौंद रहा है। चलो एक सेकंड, दोनों भाई भाई टकराना मत भाई। तो भाई के पास तो खुले नहीं, भाई क्या खुले लेने, और मैं गर्दन यूं घुमा रहा था, और देखो मुझे क्या देखने को मिला कि भाई जब छुपा के कैमरा लगाए हुए सोसाइटी वालों ने, मंदिर वालों ने, मेरे ख्याल से मंदिर वालों ने लगाया होगा, क्योंकि ये वाला तो पूरा आपका पास जो है रेलवे का डिपार्टमेंट का है। बट ये जो भाई ना कैमरा लगाया है एकदम मस्त जगह लगाया है, मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है भाई, अच्छी है भाई, अपनी सेफ्टी अपने हाथ, हमारा पैसा कहाँ है भाई, मेरा हाथ दे दो यार प्लीज़, जल्दी आ जाओ भाई। अपना काम हो गया, पोर्ट्स मिल गए, हो गए मेरे पोर्ट्स पूरे रेडी हो गए, अब इन्हें बस घर पहुँच के जल्दी से सजाना है। पर अभी कन्फ्यूज़न इस बात की हो रही है मेरे माइंड में कि इन्हें रखूँ कहाँ, बिकॉज बुद्धा को मैं ऐसी डायरेक्शन में रखना चाहूँगा जहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहे, क्योंकि बुद्धा ऑलवेज ट्रूथ एंड पॉजिटिव एंड क्या बोल सकते हैं, वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास इस समय, तो आप लोग फीलिंग समझ सकते हो। 70 to 71, क्या बात कर रहे हो भाई, इतना लंबा रुकना पड़ेगा। इधर से जाऊँ या इधर से जाऊँ, इधर या इधर, उधर से जाऊँगा वहाँ से घूमे, ए इधर से ही चलता हूँ उतना ही पड़ेगा। बैग थोड़ा सा दे रहा है मुझे दिक्कत, क्योंकि पीठ में थोड़ी सी मुझे चुभन हो रही है, और दिक्कत तो बैग नहीं दे रहा पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि हाँ डैमेज ना हो जाए। भाई अभी अभी पैसा भर के आया हूँ 300 रुपया, थोड़ी सी हालत ख़राब है, 300 रुपये आते आते यूँ मिट्टी ना हो जाए। अगर घर में कोई ऐसी चीज़ लेके आओ ना तो बार बार प्राउड हो यार, क्या सही चीज़ पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 20-30-40 रुपये एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ताऊ, आप करना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, ऐसे मटक रहे हैं भाई, ऐसे मटक रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि अभी आवेंगे, अभी रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है तू, अथे थल्ले पा। अब बात करते हैं हम फेस टू फेस।
प्यार से सारा सामान इसी में है और मैं अपने पौधों को खोना नहीं चाहता। अब वहाँ क्या कर रहे हो आप लोग, इधर आ जाओ, यहाँ से देखेंगे हम सारी चीजें। नन्हे मुन्ने बैग तेरे स्पेस में क्या है? ट्रिन 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 ट्रिन, मेरे पौधे, मेरे प्यारे प्यारे पौधे, आ जाओ। माय लवली प्लांट्स कम, यू आल्सो कम हियर। ओ भाई ये तो भारी लग रहा है, तो छोटा वाला तो कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। अब भी आओ, अब भी आओ। तो भाई खुल जाओ, थ्री ऐसे नहीं खोलेंगे, थ्री टू वन एंड गो। ओए होए ये है जादू। तो ये रहा मेरा पहला वाला, देखो अब इसे और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसको रखूंगा क्योंकि अभी पौधा छोटा है। मैं सोच रहा हूँ इसको अपने टेबल के बिल्कुल पास में रखूं। अब बस कोई इसको छेड़े ना तो ज्यादा बेटर। और इस बड़े वाले को चल हट, नकली कहीं का, असली हेयर, ये असली। और देखो जो फील दे रहा है ना कैमरे के अंदर, ये नकली वाला दे रहा है। इसका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ऐसे लग रहा है कि हाँ निकल निकल के आ रहे हैं, फील नहीं दे रहा इतना ज्यादा, पर ये ओरिजिनल है, हमें ओरिजिनल से प्यार है। इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, बाद में क्या करना अभी कर लेते हैं। ये वाले पौधे ऐसे हैं कि इनके अंदर हम ज्यादा पानी नहीं डाल सकते, इनके अंदर एकदम थोड़ा थोड़ा स्प्रे टाइप का पानी डालना पड़ेगा। अब मैं सोचो एक स्प्रे जो होती है वो लेके आ जाऊं।